है बोलो, यहाँ पे लिख देते हैं क्या आया है, आप सबका जो आया है वही बोलो मुझे। मैम 35.5। यस दिस द आंसर, 35.5 आंसर आया है। नो मैम, मैम 3.5 × 10^2। यस ठीक है ठीक है, कोई बात। अगर आपने इसे सॉल्व करा है, ये वाला जो कैलकुलेशन है, तो आपका अगर आया है ये हो जाएगा 27 × 1.5 कर दो, 27 × 1.5 कर लो आप, ये आपका आ रहा है लगभग, अगर मैं आपको बताऊं तो ये 40 के आसपास आएगा, ठीक है 40 से थोड़ा जाएगा ऊपर, और ये 1.2 है, 1.2 का स्क्वायर है, तो आप उसे सॉल्व करो एंड यू विल गेट, ठीक है। आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, फोर अगर मैं लेती हूँ तो भी ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये दिस इज डन, केसी का वैल्यू, ये कैलकुलेशन आपका काम है, आप कैलकुलेशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाओ, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट कैसे करोगे। तो ये केसी है यहाँ पे आ चुका है, ये आंसर नहीं है बोल रहे हो आप, तो यही आंसर है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं केसी आंसर, इसी आंसर को यहाँ पे पुट करोगे तो विल गेट केसी, ठीक है। तो कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं मुझे बोलो, कैसे कैसे केसी कैसे निकाला जाता है कंसेप्ट? यस मैम क्लियर है। यस मैम आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन में आपको मैं लेके जा रही हूँ, ठीक है, एंड करेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, तो मुझे क्वेश्चंस करवाना पड़ेगा आप, अदरवाइज आप खुद से नहीं कर पाओगे। तो फिर भी हम चलते हैं, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ नहीं है, आपको थोड़ा मैं उसमें मैम फिर तो केपी की वैल्यू भी चेंज होगी, हां चेंज हो जाएगा, मैं तो बोल तो रही हूँ, इस वैल्यू को आप यहाँ पे डालोगे ना तो चेंज नहीं हो जाएगा, पूरा आंसर चेंज हो जाएगा अभी, और क्लियर ना, मैंने ये डाला है इसी आंसर को लेके, मैंने यहाँ पे डाला है, सॉल्व करा है। अच्छा और एक क्वेश्चन है, अच्छा ठीक है चलो मैं इसको रब कर लेती हूँ, और एक छोटा सा क्वेश्चन हम करते हैं। अच्छा चलो ये भी करो, ठीक है एनसीईआरटी में चलेंगे, ये पूरा चलेंगे तो बहुत ही लंबा क्वेश्चन होता है ना, थोड़ा लंबी क्वेश्चन हो जाए। हो सकता है मैं आपको कल हो जाता है ऐसे, हो जाता है, मेरे बेटे भी जब क्लास लेता रहता है तो मैं उसे बोलती हूँ कि म्यूट कर लो। So write down the question and you can do by yourself now. एक interesting question देती हूँ आप, तो पहले करो questions कर लेते हैं, थोड़ा बहुत questions कर लेते हैं, नहीं तो फायदा कुछ नहीं होगा पढ़ने का। Again I am taking the Haber's process. ठीक है अच्छा, आप भी बच्चे हो, कौन कौन बच्चा आप में, मम्मी को हाउसहोल्ड वर्क में हेल्प करते हो? मैं
मैम मैं करती हूँ मैम बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा मेरे को सब कुछ करना आता है अच्छा और कौन हेल्प करता है अर्पित हेल्प करता है यस मैम बाकी छोटे मोटे काम अरे वाह अच्छा मोहित करता है कि अर्पित मुझे तो नहीं लग रहा है नहीं मैम मुझे पहले से पता है ये ठीक है मोहित और अर्पित के वैसे ही इज अ वेरी गुड बॉय ही इज अ वेरी गुड बॉय बाय हार्ट बट थोड़ा सा स्लाइटली लेजी है ना स्लाइटली यस मैम ठीक है बट अच्छा बहुत मैनर्ड है बहुत सोबर बच्चा है बहुत अच्छा बच्चा है बट थोड़ा सा ज्यादा स्मार्ट है अर्पित है ना हाँ यस मैम आपने उस क्वेश्चन में 500 के दिया था ना शायद इज अ वेरी गुड बॉय बहुत अच्छा लड़का है वो मैम हाँ मैम बोलो मैम आपने उस क्वेश्चन में 500 के दिया था या फिर 400 के अरे 500 था हाँ 500 था 500 था अच्छा ठीक है तो यहाँ पे भी केसी का जो यहाँ पे जो बन रहा है N2 ये हैवस प्रोसेस मेरा मिला हुआ है और एट 500 केल्विन यहाँ पे मुझे मिला है यहाँ पे जो है मैंने आपको बुक वाला पूरा आपको डाटा दे दिया था तो दिस हैपेंस नथिंग नो प्रॉब्लम हाँ 500 केल्विन दिया है बुक में 500 केल्विन केसी का वैल्यू 0.061 आ रहा है ठीक है अच्छा मुझे इस ये जो N2H2 और अमोनिया का कंपोजिशन क्या मिला है N2 का कंसेंट्रेशन मुझे मिला है इसे कंपोजिशन कहते हैं N2 का मुझे मिला है 3 mole per liter ओके और मुझे मिला है H2 का मिला है 2 mole per liter और अमोनिया का कंसेंट्रेशन मुझे मिला हुआ है 0.5 mole per liter ठीक है इतना डाटा देने के साथ साथ आपको पूछा गया है कि इज द reaction at equilibrium is the reaction at equilibrium if not in which direction the reaction is moving likhna hai aapko process find out the direction of The reaction. ठीक है आपको डाटा दे दिया गया है केसी दे दिया गया है सब कुछ गिवन है कंसंट्रेशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम आपको पर्टिकुलर टाइम पे दे दिया गया है आपको पूछा गया है इज द इक्वेशन एंड रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन अगर नहीं है फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन जागृत प्रेजेंट है आज जागृत जागृत प्रेजेंट जस्ट आप लोग क्वेश्चन करो
बोलो मैम, केपी इज ग्रेटर देन केसी आएगा। केपी इज बेटर देन केपी, केपी नहीं, आपको यहां से क्यूसी निकालना पड़ेगा। क्यूसी ये जो कंसेप्ट है, वो जो क्वेश्चन आपको दिया था वहां पे केपी केसी पूछा था, जहां पे आपको पूछा जाएगा कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है क्या, रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्यूसी निकालते हैं। क्यूसी यहाँ से क्यूसी निकालते हैं। हाँ एक बार आप चेक कर लो, क्यूसी निकालते हैं। और क्यूसी और केसी का वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है, क्यूसी और केसी को रिलेट करते हैं और देखते हैं। आपको देखो मैंने क्यूसी केसी का रिलेशन में तीन पॉइंट यहाँ पे लिखवाया था, देख लो एक बार नोट्स में होगा। यस मैम लिखवाए थे, है ना। तो अच्छा और एक बात है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम यहाँ पे केसी यूज करें या क्यूसी यूज करें। ध्यान रहे आपको क्यूसी कब यूज करना है, अगर आपको पूछा जाएगा कि इक्विलिब्रियम में है क्या रिएक्शन, या फिर बताओ रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऐसे केसेस में आपको क्यूसी निकालने हैं। क्यूसी कहाँ से निकालेंगे, डाटा से निकालेंगे, केसी तो गिवन है, बस क्यूसी कर, क्यूसी निकालने के बाद क्यूसी और केसी को रिलेट कर दो। अगर क्यूसी और केसी सेम है तो इक्विलिब्रियम रहेगा, अगर क्यूसी और केसी में क्यूसी अगर बड़ा है तो बैकवर्ड जाएगा, क्यूसी अगर छोटा है तो फॉरवर्ड जाएगा। आप एक बार चेक कर लो। जीरो पॉइंट फाइव है, टू है और थ्री है ना, 0.5 है, 2 है और 3 है। मैम फॉरवर्ड जाएगा रिएक्शन तो। हाँ फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड नहीं जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। यस मैम, वो इसने कहा ना कि अगर वो ज्यादा आ रहा है, मैम कम आ रहा है वो। हाँ ठीक है, तो रिएक्शन यहाँ पे फॉरवर्ड जाएगा, आपको क्यूसी निकाल देने हैं। आ गया क्या हो रहा है, फॉरवर्ड जाएगा। दो चीजें होते हैं ध्यान रहे, एक तो होता है केसी और केपी, ये डायरेक्ट रिलेशन होता है जो कि आपको मैंने बताया है, एक रिलेशन बताया है केपी इज इक्वल टू केसी आर टू द पावर डेल्टा है, तो ये रिलेशन अलग होता है ठीक है, जहाँ पे पार्शियल प्रेशर से हम निकालते हैं दोनों को प्रेडिक्ट करते हैं। और एक होता है केसी और क्यूसी, इसके क्वेश्चंस अलग होते हैं। तो कैसे आपको पता चलेगा, जैसे यहाँ पे अभी मुझे बोल रहा था अर्पित कि केपी निकालने लग गया था वो यहाँ पे, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है पता नहीं चलता बच्चों को, अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है आपको, अभी आपको और एक क्वेश्चन दूंगी अभी करने के लिए, अगर ऐसे टाइप क्वेश्चन आता है आपका कि बताओ रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है क्या, या रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो यहाँ पे आप केसी और क्यूसी वाला फॉर्मूला डाल देना। क्या करना है, क्यूसी निकाल देते हैं। क्यूसी कितना आ गया, मैं कैसे फॉर्मूला डालूंगी, एमोनिया का कंसेंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 का कंसेंट्रेशन इनटू H2 का कंसेंट्रेशन का क्यूब कर दो, यहां से निकाल दो और सीधे वैल्यू यहां से डालो। एमोनिया का कंसेंट्रेशन कितना मिला है, 0.5 मिला है, सो 0.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 कितना मिला है, 3 इनटू H2 कितना मिला है मुझे, 2 मिला है, 2 का क्यूब कर लो, ये मेरा क्यूसी है। कितना आ रहा है क्यूसी, एक बार चेक कर लो। जीरो पॉइंट जीरो वन आ गया क्या लगभग, देखना कितना आ रहा है क्यूसी, कितना आया, यही था मैं। यही है, चेक करो एक बार, 0.01 आ गया है क्यूसी, ठीक है ओके। अच्छा अब आप केसी कितना मिला है आपको, 0.016 मिला है, अब आप बताओ कौन सा बड़ा है, केसी बड़ा है ना, ये मेरा क्यूसी का वैल्यू आ गया, क्यूसी मुझे मिला है 0.01 और केसी मुझे मिला है 0.061, कौन बड़ा है, K
QC is less than KC. आप एक बार चेक कर लो, yes or no? Is it? क्या हुआ? Yes ma'am. अरे चेक कर लो, ऐसे एक क्वेश्चन है इसका आंसर. ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं. अब आप मुझे बताओ रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा. अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने नोट लिखवाया था कि क्यूसी केसी का रिलेशन कैसे होता है, कैसे डिसाइड होता है. क्यूसी अगर छोटा होता है तो कौन से डायरेक्शन में जाता है रिएक्शन? चेक कर लो, चेक कर लो फोटो डायरेक्शन है कि नहीं. नोट आपके पास पड़ा होगा, देख लो. यस मैम. आ गया? अच्छा तो ठीक है. आपने एक तो केपी किसी केसी वाला रिलेशन अभी आपको क्वेश्चंस करवाया था, फिर एक केसी और क्यूसी वाला मैंने आपको कराया कि कैसे हम डिसाइड करते हैं कि रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में होगा. अच्छा अब आपको मैं, आज भी बजने वाला है और एक क्वेश्चन करते हैं फिर छुट्टी करेंगे. लास्ट क्वेश्चन यही कर, क्योंकि जब तुम थोड़ा हमको कंसेप्ट नहीं कराओगे ना, क्वेश्चन देके फायदा नहीं, हम नहीं कर पाओगे. और एक लास्ट क्वेश्चन लिखो, लिखो कर लेंगे मैम. दे रही हूँ इसे मैं, रब कर रही हूँ. ठीक है लिखो. मेरे पास एक रिएक्शन है, टू ए गिव्स मी बी प्लस सी. ओके इसका केसी मुझे गिवन है, कितना मिला है मुझे केसी मिला है यहाँ पे, टू इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री मिला है. क्लियर है ना? एट अ गिवन टाइम, कोई एक टाइम मैंने सिलेक्ट करा है यहाँ पे, जिस टाइम में मुझे कंपोजिशन मिला है, कंपोजिशन कितना मिला है मुझे, ए का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू बी का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू सी का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू थ्री इंटू टेन टू द पावर माइनस फोर मोलारिटी. ठीक है, In which direction the reaction will proceed? Question मिला है. मैम backward. देखो सॉल्व करो फटाफट. मैम वन आ रहा है कि उसी तो. QC कितना आ गया? How much you got? QC कितना आया? मैम वन नहीं आ रहा है. QC वन आ गया और KC कितना मिला है? Yes, backward. और एक क्वेश्चन दो,
हो गया, देख लो हेमसबरी, आयुष, चिराग, चिराग प्रेजेंट है? यस मैम डन है। डन है, बहुत अच्छा, डन है, सबका वन आ गया, क्यूसी सबका वन आ गया। देखो अर्पित क्या होता है, देखो बच्चे हो गया ना। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन देते हैं, हाँ मैम वो गलती हो गई थी मेरे से पिछले क्वेश्चन में, मैंने कोई को नहीं, नहीं तुम्हारा नहीं बेटी, ये क्या होता है ना, ये बच्चे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं और केपी निकाल के आ जाते हैं चेक करके, इसलिए बोल रही हूँ मैं, ये कॉमन मिस्टेक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पहले स्टार्टिंग ऑफ द क्लासेस इक्विलिब्रियम में, उनको ये उनको समझ में नहीं आता है हम केपी क्या होता है और क्यूसी कैसे यूज करते हैं डिफरेंस, ठीक है। अब आपको और एक क्वेश्चन दूंगी, आप खुद डिसाइड करना कि आपको क्या करना है उसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन है जहाँ पे हम क्यूसी निकालेंगे, तो क्यूसी जो निकाला जाता है कैसे निकालते हैं, क्यूसी वही है, मैं क्या लूंगी बी का कंसंट्रेशन, थोड़ा सा हम कर लेते हैं सी का कंसंट्रेशन, यहाँ पे कोफिशिएंट डिवाइड बाय ए का कंसंट्रेशन का स्क्वायर कर लो, ठीक है। अब इसको पूरा वैल्यू डालो, बिकॉज तीनों सेम है, दिस इंटू दिस बाय दिस का स्क्वायर करोगे तो आप प्लीज वैल्यू डाल दो, वन आ रहा है, चेक कर, आ गया वन? यस मैम। अच्छा अब केसी मेरा कितना कितना मिला है, 2×10⁻³ मिला है, डेफिनेटली केसी क्यूसी जो है वो केसी से बड़ा जा रहा है, हियर क्यूसी इज ग्रेटर देन केसी, सो बैकवर्ड जाएगा, सो मैम केपी तो डिसाइड ही नहीं करता कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा। केपी कहाँ से आ गया? वैसे ही मैम मैं पूछ रहा था। नहीं केपी क्यों डिसाइड करेगा? केपी केपी और केसी के बीच में क्या डिफरेंस है पता है ना? दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैं। एक मोल को लीटर मोलर कंसंट्रेशन के टर्म्स में हम निकालते हैं और एक को पार्शियल प्रेशर में निकालते हैं, दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अगर मैं मोल पर लीटर में निकालूंगी तो ये आएगा, अगर मैं पार्शियल प्रेशर में निकालूंगी तो केपी आएगा, ठीक है, ओके। राइट डाउन मोर क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन लिखो आप, और एक क्वेश्चन लिखो। ओके मैम, चिराग प्रेजेंट, चिराग चिराग प्रेजेंट है? नो मैम प्रेजेंट नहीं है, चिराग प्रेजेंट नहीं है। अच्छा ठीक है, कुछ बच्चों का ना नेटवर्क इशू हो जाता है ना, ठीक है ओके। और क्वेश्चन लिखो, ठीक है, N2 plus O2 gives 2NO, yes, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मुझे मिला है at equilibrium, equilibrium के स्टेज में मुझे मिला है N2 के कंसंट्रेशन मुझे मिल रहा है 3.0। अच्छा ये ऐसे क्यों लिखते हैं, NCERT में मुझे समझ नहीं आता, 3×10⁻², मोलारिटी, राइट राइट माइनस थ्री मोलारिटी सॉरी, और O2 का कंसंट्रेशन मुझे मिला है और NO का कंसंट्रेशन डेफिनेटली मुझे मिला होगा, छोड़ दो, O2 का मिला है 4.2×10⁻³, अब पूछा तो माइनस थ्री, 2.8×10⁻³ मिला है मुझे, NO का कंसंट्रेशन 2.8×10⁻³ मोलारिटी, ये सारे मिले हुए हैं मुझे, और मुझे यहाँ पे बोला गया है कि KC निकालो और KP भी निकालो, यस जस्ट अ मिनट, आपको टेम्परेचर मिला हुआ है, मैं आपको बताती हूँ 800 केल्विन, क्लियर ना, ठीक है, 800 केल्विन ये रिएक्शन दिया है मुझे और इक्विलिब्रियम का कंसंट्रेशन मुझे दिया है इक्विलिब्रियम स्टेज में, ठीक है, और साथ में मुझे केसी और केपी दोनों निकालने के लिए बोला गया है, तो कौन सा रिलेशन डालोगे, कैसे निकालोगे, चेक करो और मुझे बताओ।
और ये लास्ट है, खत्म करते हैं। बाकी कल आपको मैं पढ़ाऊंगी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, कल इंटरेस्टिंग क्लास है, अच्छा लगेगा। और आज इंटरेस्टिंग है तो हर क्लास इंटरेस्टिंग होता है। और बाकी पढ़ेंगे ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल पढ़ेंगे कल, ठीक है। बट होता क्या है ना, ये रात को 8:30 बजे क्या होता है ना, नेटवर्क थोड़ा दिक्कत थोड़ा करता है, इश्यू वगैरह आ जाते हैं अननेसेसरी। कोई टाइम तो है नहीं ना मॉर्निंग और मॉर्निंग टाइम में है, छुट्टी अगर होती है तभी ले पाए। मैम मॉर्निंग टाइम में जो क्लासेस भी होती है ना स्कूल की, तो फिर नहीं हो पाता। आपकी क्लासेस कब से कब तक होती है बेटे? मैम मेरा मेरी क्लास होती है 8:00 से लेके 1:00 तक। मैम केसी आप लोग पूरा कंटिन्यू क्लास, केसी कितना आ रहा है? एसी मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे बताती हूँ 0.6 समथिंग आ रहा है। हाँ मैम आया है, ठीक है 0.62। यस मैम केपी वही आएगा, केसी आ जाएगा, केपी इज इक्वल टू केसी हो जाएगा। हेम सबरी को आज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि हेम सबरी एब्सेंट हो गया था ना, देख लिया रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग देख लिया था, ठीक गुड। अरे समझ में आ गया कि नहीं बच्चे, केसी आ गया, yes, ये केपी कैसे निकालोगे, केसी तो आ गया, केसी सीधा वैल्यू डालोगे और आप निकाल सकते हो। ऑल ऑफ यू गॉट दिस 0.62। किसी का नहीं आया है तो मुझे बोल सकते हो। प्राची, आयुष, मैम आ गए, एवरीबॉडी गॉट द आंसर। उसके बाद मुझे पूछा गया है केपी निकालना है। केपी क्या होता है? केसी इंटू आरटी टू द पावर डेल्टा एन। अब आप मुझे बताओ डेल्टा एन यहाँ पे जीरो आ रहा है क्या? यस मैम जीरो, क्योंकि गैसेस प्रोडक्ट्स माइनस गैसेस रिएक्टेंट 2 - 2 जीरो। तो यहाँ पे आपका डेल्टा एन जो है वो मेरा जीरो आ चुका है, जीरो। और आर टी टू द पावर जीरो इज इक्वल टोटल 1 हो जाएगा, सो केपी इज इक्वल टू केसी हो जाएगा। केपी इज इक्वल टू केसी इज इक्वल टू 0.0622। ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको कैलकुलेशन भी नहीं करनी है, जहां पे जीरो आता है सीधा केपी केसी को इक्वल कर दे। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्यूसी केसी कब यूज करते हैं और केपी केसी का क्या क्या है, ठीक है। तो क्लास फिर अभी हो चुकी है, अभी 8:10 हो गया है, 7 मिनट्स लेफ्ट है, कोई बात नहीं, कल फिर क्लास लेंगे। क्योंकि अभी देखो मैं एक्चुअली क्या होता है ना, न्यूमेरिकल में जितना भी कराऊं मुझे कम लगता है, मुझे लगता है और 2 करा दूं और 2, तो कल करेंगे बाकी जो भी है,